नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक पांडे एडवोकेट, और आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नोटरी या स्टैम्प पेपर में वो डिवोर्स लेते हैं या शादी के लिए प्रोसेस करते हैं, तो उसकी इंडियन लॉ के हिसाब से क्या वैलिडिटी है। तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसकी लीगल कोई भी वैलिडिटी नहीं है। ऐसा लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि या कि उनको नॉलेज नहीं होता है कि इसकी वैलिडिटी है या नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा या नहीं रहेगा, या शादी नोटरी या स्टैम्प पेपर में किया तो उसकी क्या वैलिडिटी है, या डिवोर्स नोटरी या स्टैम्प पेपर पे किया तो उसकी क्या वैलिडिटी है। ये लैक ऑफ नॉलेज के लिए लोग करते हैं या कि उनको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से करते हैं। अगला कारण मे भी ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी शॉर्टकट मानना चाहते हैं, बिकॉज अगर वो किसी और तरीके से करेंगे या कोई लीगल तरीके से करेंगे तो उनको काफ़ी समय लग सकता है इसको करने के लिए। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनका जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, चाहे वो शादी का हो या डिवोर्स का हो। इस वजह से वो स्टैम्प पेपर का यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से अग्रीमेंट बनते हैं तो अग्रीमेंट बनाने के जैसा ही वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के सिग्नेचर लेते हैं कुछ विटनेसेस के सामने, और वो मेंशन करते हैं कि भाई आज से हम लोग एज एन हस्बैंड वाइफ हो गए। तलाक के केसेस में भी वो मेंशन कर देते हैं कि आज से हम लोग का डिवोर्स हो गया, डॉक्यूमेंट को नोटराइज करवा लेते हैं स्टैम्प पेपर को, और वो समझते हैं कि हमारा तलाक हो गया। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो कानूनी रूप से बिल्कुल भी गलत है। अगला कारण ये भी रहता है कि कुछ लोग उनको मिसगाइड करते हैं, इट मींस सही नॉलेज नहीं देते हैं, चाहे वो लॉयर हो या कोई और भी, तो वो शॉर्टकट या पैसे बनाने के चक्कर में उनको ऐसा बोल देते हैं कि भाई आप अगर शॉर्टकट कर लोगे या हस्बैंड वाइफ दोनों को बुला लोगे और आपके घर परिवार वाले या कुछ मित्र आ जाएंगे और वो सिग्नेचर कर देंगे तो आपकी शादी भी हो जाएगी या आपका डिवोर्स हो जाएगा, जिसकी कोई भी इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिडिटी नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे जहाँ पे मैंने बताया था कि शादी करने के लीगल तरीके कौन से हो सकते हैं और डिवोर्स के लीगल तरीके कैसे हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं। शादी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर कैसे है, चाहे वो हिंदू लॉ में हो, पर्सनल लॉ मुस्लिम्स के लिए हो, या क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से हो, या जैनिज़्म या सिखिज़्म के हिसाब से हो। तो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बताया हुआ है आपको किस तरीके से शादियाँ की जाती हैं, और इसी तरीके से डिवोर्स का भी प्रोसीजर मैंने बताया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में डिवोर्स कैसे होता है या हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स कैसे होता है। तो डिवोर्स के लिए दो बेसिक जो तरीके होते हैं, वो एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है, दूसरा कंटेस्टेड पिटीशन डिवोर्स होता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर नोटरी या स्टैम्प पेपर पे डिवोर्स किया जाता है तो उसकी कोई भी वैलिडिटी इंडियन लॉ के हिसाब से नहीं है। केवल और केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा है कि खुला नामा अगर लड़की चाहे तो लड़के से ले सकती है, लेकिन लड़का और लड़की दोनों की ज़रूरत रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और काजी के सामने तीन इद्दत पीरियड होने के बाद में डिवोर्स का प्रनाउंसमेंट हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। केवल और केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा है, लेकिन अगर इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना चाहता है नोटरी या स्टैम्प पेपर में डिवोर्स करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसकी इंडियन लॉ के हिसाब से मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि कोई भी वैलिडिटी नहीं है। और इस वजह से अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करना इलीगल हो सकता है और आने वाले समय में आप फंस सकते हो। दोस्तों, अगर आपका कोई मुझे सुझाव है या आप मुझे कोई और कमेंट करना चाहते हो या मुझे कोई सवाल करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद मित्रों।